वो कैटायन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और एक्चुअली क्या है, इसके स्टेबिलिटी को जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग जो बताते हैं ना कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, है ना, तो इसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, एक इंडक्टिव इफेक्ट से बताते हैं और दूसरा क्या बताते हैं, हाइपर कंजुगेशन, है ना, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन से हम इसका स्टेबिलिटी को बताते हैं, करेक्ट। तो एक काम करते हैं ना, कार्बोकेटाइन को यहीं पर रोक देते हैं, पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब सब देख लेते हैं, उसके बाद वापस आकर के फिर से यहाँ कार्बोकेटाइन से शुरू करेंगे, है ना। कार्बोकेटाइन का हम लोगों ने शेप देख लिया था, ट्राइगोनल प्लेनर है, हम लोग इसके स्टेबिलिटी से ही कंटिन्यू करेंगे, है ना, इसके स्टेबिलिटी से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये सब क्या है इसको देखने के लिए। तो इस सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इस सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण सारा रिएक्शन हो रहा है, एक एक दूसरे को हम लोग स्टेबल कहते हैं, नहीं स्टेबल कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो सारा का सारा इसी इसके कारण होता है, ठीक है, कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो किधर से किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है अपने पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स में, है ना। तो वापस से फिर पीरियोडिक टेबल में जो है आपको कमांडिंग करना ही होगा, है ना, कि किधर से किधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जाता है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, है ना, टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज करता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब ग्रुप वन से ग्रुप 18 की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और पीरियड वन से पीरियड 7 की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ठीक है। तो इसी में जो है सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है कि जो ये एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो हमें पता है ये बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन से बनकर बना है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका इसका और एक इलेक्ट्रॉन आपका इसका है ना। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और फिर ये इस तरह से इधर से ओवरलैप करता है, ये इस तरह से इधर से ओवरलैप करता है ना, तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ ये यही आपका एक बॉन्ड की तरह दिख रहा है, करेक्ट। तो अब वही देखना है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दोनों इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। रेजोनेंस में दिखाएगा पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो लेटरल ओवरलैपिंग है, वो किधर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा है, और सबके लिए आप प्लस एंड माइनस पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस माइनस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस माइनस, रेजोनेंस प्लस माइनस, है ना, तो ये सब आप पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए लेट नहीं करते हुए सबसे पहले जो है हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, है ना, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। तो सब सबसे पहला अगर पूछेगा इन सब में से परमानेंट इफेक्ट कौन सा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है। इसके लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पोलार कंपाउंड होना चाहिए ना, मतलब पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमानेंट इफेक्ट है ये, है ना। एक टेम्पररी इफेक्ट होता है जैसे रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब टेम्पररी इफेक्ट है, वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो परमानेंट इफेक्ट है ना, और ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है, समझ में आया ये। और ये इनएक्टिव इफेक्ट जो है आपका थ्रू बॉन्ड पास होता है, सपोज ये अगर हमारा है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसे जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आकर के कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो क्या करेगा, ये डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा, फिर ये कार्बन में पॉजिटिविटी होगा तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिविटी होगा तो ये यहाँ से पुल करेगा, तो ऐसे करके जो है ये चलता रहेगा, लेकिन बोला जाता है कि एक दो तीन तीन कार्बन के बाद ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। सपोज कि इसको अगर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इससे डिस्टर्बेंस होगा तो डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या होगा, एकदम कम अमाउंट में हुआ, यहाँ पर एकदम कम अमाउंट में, है ना, ये बहुत ही डेल्टा मतलब स्मॉल होता है, तो बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर पॉजिटिविटी हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी होगा, यहाँ और ज्यादा पॉजिटिविटी होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सेंटर है जहां से ये विदड्रॉ कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, तो ये अपने तरफ खींच रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये
एक दो तीन, है ना। तो तीन के बाद मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट ही रहता है, वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देता है ना, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इसको एक और नाम है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट या टी इफेक्ट। अगर पूछ भी दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को और क्या कहते हैं, तो टी इफेक्ट भी कहते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को और क्या कहते हैं, तो ट्रांसमिशन इफेक्ट, यानी कि टी इफेक्ट, आई इफेक्ट, टी इफेक्ट, है ना। तो ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं, ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। मतलब बस वो एक तरह जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट चला गया यहाँ से, यहाँ चला नहीं जाता है, बस जाते हुए दिखता है, करेक्ट। समझ में आ गया। तो ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपनी तरफ खींच रहा है, और ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, थोड़ा सा करके सब अपना अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो एक्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है कार्बन से, तो इसका मतलब यहाँ कंपाउंड में कौन सा लग रहा है हमारा, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये जो हमारा हेलोजन है ना, जो भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। इसका मतलब जब भी माइनस आई इफेक्ट रहेगा, तो इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, दोनों बोल सकते हैं ना। तो माइनस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट हो गया ये, ठीक है, जो अपने तरफ विदड्रॉ कर रहा है। प्लस आई कब होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। मतलब वैसा ग्रुप, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज कर रहा है ना, अगर वो रिलीज कर रहा है तो वो प्लस आई होता है। तो यहां पर हमारा दिमाग मतलब सेट कर लीजिए कि एल्काइल होगा, जैसे CH3, है ना, C2H5। तो जो भी एल्काइल ग्रुप है वही मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रूप में काम करता है। बाकी हेलोजन हो गया, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया, है ना, फिर ये सब ऑक्सीजन हो गया, OH- OH भी अगर है लगा हुआ, तो ये सब क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है, करेक्ट। तो इस तरह से जो आप है इसको देखेंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का अगर आएगा, तो जैसे कार्बोकैटायन में हम लोग जब बात करेंगे, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट वहां काम आएगा। तो इसमें अगर माइनस आई इफेक्ट का अगर आपको देखना है कि मतलब किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, तो माइनस आई इफेक्ट के लिए देखिए, जैसे NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, फिर CN होगा, फिर फ्लोरीन आएगा, ठीक है, फिर ये, फिर CL, फिर BR, फिर I, OCH3, C6H5। ये सब दिमाग में रखिएगा, NO2 लगा हुआ है ना, तो ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर अरेंज करने के लिए कहेगा कि माइनस आई के ये में आप अरेंज कीजिए, कि माइनस आई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रॉपर्टी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो ये अरेंजमेंट है ना। तो नाइट्रो का सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट, फिर साइनो का होगा, फिर फ्लोरिन का होगा, फिर एसिड का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। उसके बाद फिर मिथॉक्सी, और उसके बाद फिर आपका फिनाइल, है ना, ये फिनाइल है, C6H5, तो फिनाइल है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है आपका प्लस आई इफेक्ट का जो है, अगर हमको पूछा जाएगा तो कैसे होगा, तो जैसे सबसे सबसे कम इसका होगा, फिर इससे ज्यादा C2H5 होगा, फिर इससे ज्यादा होगा CH3CH, फिर इससे ज्यादा होगा CH3TriS, ठीक है। मतलब यहां पर ऐसे करके बॉन्ड निकला हुआ है, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्यों ऐसा होता है, जब हम कार्बोकेटाइन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक एल्काइल है तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दिया, यहां पर क्या है, इसको अगर ओपन करेंगे तो CH2CH3, तो यानी कि ये तो रिलीज कर ही रहा है, साथ में ये भी इसको हेल्प कर दे रहा है, तो यानी कि दो है रिलीज करने के लिए। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कैसे है आपका,
यहाँ पे सी एच थ्री एक है, यहाँ पे एक सी एच थ्री है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये तो रिलीज कर ही रहा है, साथ में ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ एक सपोर्ट कर रहा था, यहाँ दो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ एक भी नहीं कर रहा है ना, बस ये अकेले में जितना कर पा रहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो इस जगह में क्या है हमारा, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री। तो देखिए ये कार्बन तो कर ही रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये आया, ये भी रिलीज कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, तो मैक्सिमम रिलीज करेगा इसका। इसलिए जो है हमारा ये इस ट्रेंड को फॉलो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, तो प्लस आई के लिए ये है, माइनस आई के लिए ये है। तो समझ में आ गया कि किस तरह से कौन सा ये करेगा, है ना। और दिमाग में यही रहेंगे कि तीन कार्बन से जहां डिस्टेंस हुआ तो समझ जाइएगा कि वहां पर अब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो इसका कुछ एप्लीकेशन भी है। अगर हम आपसे पूछेंगे एप्लीकेशन को इस तरह से क्वेश्चन के तौर पे, कि सिंपली आप बताइए कि आपके पास है, कॉपी भी रखिएगा बगल में, ये ज्यादातर प्रैक्टिस सेशन होगा। क्लोरो हाँ क्लोरो एसिटिक एसिड है आपके पास, करेक्ट। और दूसरा क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है ना। अब इस दोनों में बताइए कि मोर एसिडिक कौन सा होगा, बताइए। ये ए ये बी है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच वन इज मोर एसिडिक, है ना। और चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए बी सी डी, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे अभी ए और बी ही दिया हुआ है आपको, बी सी डी तो हम नहीं दे रहे हैं। अगर देना होगा तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और एक एसिटिक एसिड, चार ऑप्शन इस तरह दे सकते हैं। तो हम उस तरह नहीं देखा, अभी हम दो ही दिए आपको, उसमें बताइए मोर एसिडिक कौन सा होगा, ए और बी, एसिडिक ज्यादा कौन सा होगा, मोर एसिडिक कौन सा होगा, ए या बी, है ना। ये प्रैक्टिस सेशन की तरह रखिए इसको, है ना। ए मोर एसिडिक आपका ए होगा, गुड, है ना। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आई होप आप इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किए होंगे। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये होता होगा। ये ओ एच है और यहाँ पर हमारा क्लोरो लगा हुआ, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के सिंपल एसिडिक एसिड कैसे है हमारा, सी एच थ्री सी ओ ओ एच है। क्लोरो एसिडिक एसिड का मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके क्लोरीन लग जाएगा। तो अगर हम चार ऑप्शन डालते तो क्या डालते हैं, ये तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, एक डाइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते हैं, मतलब एक और हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन डालते हैं, एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते हैं, एक एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन लगा देते हैं, ना एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता। तो उस समय में कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, करेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखिए कोई भी चीज को एसिड कब कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड कब कहते हैं, जो इजीली H प्लस डोनेट करे, है ना, जो इजीली H प्लस डोनेट करे उसी को हम कहेंगे एसिड। अब इस दोनों में देखिए जो जितना इजीली H प्लस को डोनेट कर देगा वही मोर एसिडिक होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ बॉन्ड बनाइए, यहाँ बॉन्ड बनाइए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर होता क्या है, ये जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, अगर हम इसका ये बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, सी एच थ्री सी ओ माइनस और यहाँ पे ओ H, ये लोन पर यहाँ शिफ्ट करेगा ना ऐसे प्लस। अब देखिए इस प्लस को न्यूट्रल होने के लिए क्या करना होगा हमको, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा और ये हमारा कैसे जाएगा, H प्लस बन के निकल जाएगा, है ना। तो ये एक चांस हुआ, है ना, H प्लस बन के निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी, इस जगह में जो पॉजिटिविटी हुआ वहां डेंसिटी इधर से भी आ सकता है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, करेक्ट। ये क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब जो ये बॉन्ड शिफ्ट किया, तो यहाँ पर एक, अगर इसको हम और छोटा भाग में ले जाएंगे, मतलब और मिनी स्टेप्स में ले जाएंगे, तो ये कैसे दिखेगा, सी एच थ्री ओ एच और यहाँ ओ माइनस। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी डेवलप हुआ ना, इसी पॉजिटिविटी को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या किए, ये लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दिए ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो ये लोन पेयर को शिफ्ट करके न्यूट्रल किया, इसके पास और भी तो ऑप्शन है ना इस कैटायन को, मतलब पूरा कैटायन तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास प्लस आई ग्रुप है, तो ये भी थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा ना। मतलब अभी हमको इतनी जल्दी ये लोन पेयर की जरूरत नहीं है, करेक्ट, इतनी जल्दी लोन पेयर की जरूरत नहीं है। तब इतनी जल्दी लोन पेयर की जरूरत नहीं है तो वो इतनी जल्दी निकलेगा भी नहीं, ये एच प्लस, है ना, ये इतनी जल्दी निकलेगा भी नहीं। अब इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं, है ना। सपोज फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया,
तो यहाँ पर पॉजिटिविटी एक डेवलप करेगा, जैसे ही ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पॉजिटिविटी डेवलप करेगा, करेक्ट। अब ये पॉजिटिविटी को रिलीज करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिविटी को रिलीज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था ना, तो ये तो अगर कहीं से भी आ रहा है तो दूसरे तरफ से थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेट हो जाए मतलब लेट से हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पॉजिटिविटी हुआ, क्या इसके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि इस लोन पेयर को लेने के अलावा कहीं और से मिल जाएगा हेल्प? क्या ये प्लस आई इफेक्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अपने तरफ खींच रहा है क्लोरीन। जैसे ही अपने तरफ खींच रहा है तो हमें पता है कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे में जा रहा था ना, तो जैसे ये अपने तरफ खींच रहा है तो ऑटोमेटिकली इसमें जैसे ही पॉजिटिविटी होगा ये इधर से भी खींचना शुरू करेगा। अब देखिए, जब यहां से खींचना शुरू किया तो जो ये पॉजिटिव है और ज्यादा इसमें पॉजिटिविटी हो गया। अब क्या करेगा, ये जल्दी से इस लोन पेयर को अपने तरफ लेगा। जब जल्दी से लेगा तो जल्दी से इस हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इसका मतलब कौन ज्यादा इजीली और फास्ट हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है? ये फास्ट रिलीज कर रहा है। और ये कैसे रिलीज कर रहा है? स्लो, ये फास्ट। तो जो जितना फास्ट रिलीज कर रहा है वो उतना ज्यादा एसिडिक है, इसलिए हमारा जो क्लोरो एसिडिक एसिड है ये हमारा मोर एसिडिक है। समझ में आ गया? उसी तरह से ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड कैसे होगा, ये एक माइनस आई इफेक्ट है। अगर एक और क्लोरीन लगेगा तो ये भी खींचेगा, इधर भी क्लोरीन लगा हुआ रहेगा तो ये भी खींचेगा, तो तीनों खींचेगा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगा, बहुत जल्दी भेजेगा, है ना, एक क्लोरीन के मतलब अपेक्षा में या एक क्लोरीन के तुलना में तीन क्लोरीन रहेगा तो और ज्यादा खींचेगा, है ना। तो समझ में आ गया ये? तो ये कौन एप्लीकेशन किसका है? अपना इंडक्टिव इफेक्ट का। समझ में आ गया ये? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा चार ऑप्शन में, विच वन विल बी द मोर एसिडिक, तो आप देख लेंगे माइनस आई और प्लस आई का कॉन्सेप्ट लगा करके, है ना, कि क्या हो रहा है वहां पे, है ना। तो एक और क्वेश्चन हम आपको पूछ देते हैं, फटाक से जवाब दे दीजिएगा क्वेश्चन कि आप फॉर्मिक एसिड आपके पास है और वर्सेस एसिटिक एसिड, विच वन विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, विच वन विल बी मोर एसिडिक। चलिए फटाक से जवाब दीजिए, और भी सब पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, कॉपी कलम साथ में रखिएगा, तुरंत जो भी ड्रॉ करना है जो भी खींचना है फटाक से खींच के और फिर तुरंत आंसर दीजिए हमको, है ना। तो विच वन विल बी मोर एसिडिक, ए देखते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड को ड्रॉ करते हैं, ये बिलीव कीजिए यही सब क्वेश्चन आपका रहेगा वहां एग्जाम पेपर में, देखिएगा तो आपको हंसी आएगा, है ना, OH और CH3। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, है ना, ये होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी होने के जोश में जो है ना, कुछ भी सब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा एग्जाम में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह रिलीज होगा तो हाइड्रोजन फास्ट मतलब ये होगा, तो पहले इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ शिफ्ट किए, यहाँ पॉजिटिविटी डेवलप हुआ। इसको न्यूट्रल करने के लिए दो तरह से चांस है, एक इधर से आ सकता है और एक ये रिलीज कर रहा है ना, तो ये प्लस आई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, यहाँ जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ से भी न्यूट्रल हो रहा है, तो ये लेट से भी रिलीज होगा तो चलेगा। लेकिन इस केस में जब ये यहाँ शिफ्ट किया, कोई ऐसा भी है प्लस आई, माइनस आई तो नहीं है, चलिए माइनस आई नहीं है मानते हैं, है ना, लेकिन प्लस आई भी यहाँ पर नहीं है। जब प्लस आई भी नहीं है तो जो भी यहाँ शिफ्ट किया उसको न्यूट्रल करने के बस एक ही तरह से तरीका है कि यहाँ से आएगा। अब यहाँ से आएगा तो मतलब यहाँ पर ये आने के लिए थोड़ा लेट लगेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इधर से रिलीज हो रहा है, यहाँ पे इसको इधर से ही चाहिए, तो यानी कि ये फास्ट हो गया, है ना, और ये हमारा स्लो ही रह गया, इसका मतलब हमारा फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक हो गया। ठीक है, गुड, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, मोर एसिडिक। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, कि आप बताइए इनमें से, अगर बोलेंगे कि इसको अरेंज कीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज कीजिए, है ना, अरेंज कीजिए। ऑप्शन ए में है आपके पास, ऑप्शन ए में है आपका फ्लोरो एसिटिक एसिड, हम ये बना देते हैं CH2COOH। ऑप्शन बी में है आपका क्लोरो CH2COOH। ऑप्शन सी में है आपका ब्रोमो CH2COOH। और ऑप्शन डी में है आपका आयोडो CH2COOH। आप जो है इसको अरेंज कर दीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ में, ये फ्लोरो है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगा हुआ है एसिडिक एसिड के साथ, आप इसको अरेंज कर दीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ में। यही सब में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, है ना, बी आपने किया था, कौन सा किया था, बी एसिडिक एसिड मोर एसिडिक नहीं होगा, ए ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक
प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, आपको वो देखना है कि ये प्लस को न्यूट्रल करने के लिए कितने तरफ से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है ना। तो जब इधर से आ रहा है मतलब ये उतना इसको इमरजेंसी नहीं रहेगा कि हमको जाके इसको न्यूट्रल करना होगा, करेक्ट? ठीक है, तो जब उतना न्यूट्रल करने के लिए उसको तत्परित नहीं रहेगा तो इस हाइड्रोजन को रिलीज भी नहीं करेगा उतना फास्ट, और जितना फास्ट रिलीज नहीं करेगा उतना ही स्लो वो एसिडिक होगा, है ना। और यहाँ पर इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये फास्ट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो ये मोर एसिडिक होगा, है ना। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू एसिटिक एसिड, है ना। ए बी सी डी। अब बाकी लोगों को लगेगा कि हमने आपको जो है ना सारा आंसर दे दिया है फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इतना फटाफट आप जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं है ना प्रदीप जी, कोई बात नहीं है, आप इतना फटाफट जवाब दे रहे हैं, गुड। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर कमांडिंग है तो आप जल्दी रिप्लाई करेंगे ही नहीं, रिप्लाई करेंगे ही। ये मेन मैटर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, है ना। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा खींचेगा ना, सब एक ही पोजिशन पे, करेक्ट? सब एक ही पोजिशन में, किसी एक को अगर हम बना देते हैं यहाँ पर OH, है ना, तो जैसे ये शिफ्ट करेगा तो इसके पास कोई और चांस नहीं, ये खींच रहा है ना, तो इधर से तो प्लस आई दे नहीं पाएगा, ये भी इधर ही खींचेगा, है ना। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, सबका पोजीशन यही है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड, करेक्ट? तो अब जैसे ये खींचेगा इसके पास तो एक ही चांस है यहाँ से, है ना। तो अब डिपेंड करता है माइनस आई इफेक्ट का टेंडेंसी पे, जितना ज्यादा ये खींचेगा उतना ही यहाँ पर अनस्टेबिलिटी करेगा और उतना ही फास्ट ये शिफ्ट होगा लोन पेयर, और प्रोटॉन को उतना ही फास्ट रिलीज करेगा, और जितना फास्ट प्रोटॉन को रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। और इसके लिए वाला चार्ट देख लीजिए, फ्लोरो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरो होता है, देन ब्रोमो, देन आयोडो, अभी बनाया था यहाँ पे ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, है ना। तो फ्लोरो सबसे ज्यादा है, तो वही वही हुआ कि हमारा ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि सबसे ज्यादा खींच रहा है अपने तरफ, अनस्टेबिलिटी फ्लोरिन बना रहा है, फिर कौन इंस्टेबिलिटी बना रहा है, बी, फिर कौन बना रहा है, सी, कौन बना रहा है, डी। तो ये आपका आंसर होगा, है ना, अरेंज अगर पूछेगा तो। अगर पूछेगा कि इन चार में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है तो ये, अगर पूछेगा इन चार में सबसे कम एसिडिक कौन सा है तो ये, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत एप्लीकेशन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप आगे जाके नेम रिएक्शन पढ़ेंगे वहां भी आपको क्लू मिलेगा कि यहाँ का प्रोडक्ट क्या होने वाला है ना नेम रिएक्शन में। बस एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में बहुत मजा आता है ये सब, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में बहुत मजा आता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसको भी जो है आप अरेंज कीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ में, है ना, अरेंज कीजिए इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में, करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारे पास CH3, CH2, CH, क्लोरिन, COOH। ऑप्शन बी में हमारे पास है CH3, CH, Cl, CH2, COOH। ऑप्शन सी में है हमारे पास CH2, Cl, CH2, CH2, एक दो तीन, सब सेम होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होना चाहिए, COOH। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होना चाहिए हमारा CH3, CH2, CH2, COOH, है ना। अब इसको अरेंज कर दीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ में, ए बी सी डी, बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी डी तुरंत बताइए आंसर क्या होगा, है ना, अरेंज कर दीजिए। इसमें और भी क्वेश्चन हो सकता है, विच वन विल बी मोर एसिडिक, विच वन विल बी मोर बेसिक, है ना, वो भी हो सकता है, या फिर अरेंज द फॉलोइंग, है ना, बेस्ड ऑन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट, वो भी पूछ सकता है। तो बताइए जल्दी से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कम, कौन कम एसिडिक होगा। आप भी जवाब दे सकते हैं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोल दिया तब आप जवाब नहीं देंगे, है ना। बाकी बच्चे कुछ नहीं समझ रहे हैं कि हम आपने को बताया है, हम आपको बता के क्या करेंगे, ये डायरेक्ट एग्जाम थोड़ी हो रहा है। ठीक है, ओके, तो पिछला वाला भूल करके नहीं डाल दिया ना, सही से बनाया ना। तो देखिए अब क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट ये आ गया यहाँ पे, है ना, क्या आ गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस डिपेंडेंस। देखिए एक को बना रहे हैं कोई एक को, CH3, CH2, PH, क्लोरीन और बाद में COOH। अब देखिए जैसे ही यहां शिफ्ट करेगा, करेक्ट,
अब यहाँ लोन पेयर है, ये इसको शिफ्ट करके न्यूट्रल करेगा, दूसरा इधर से आने का चांसेस है लेकिन उधर से आने का कोई चांसेस नहीं है, ये क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो ये खींचेगा, तो अब देखिए ये खींचा, ये पहला कॉन्टेक्ट हुआ, ये दूसरा कॉन्टेक्ट हुआ, है ना, तो ये भी इससे खींच लिया, तो अनस्टेबिलिटी हुआ, तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा जल्दी। वही क्लोरीन अगर इस जगह में रहेगा, सपोज इस जगह में क्लोरीन रहा सेकंड में, अब क्या होगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, तो इसमें ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा, इसको इधर से भी, यहाँ इस केस में भी इसको इधर से मिल जा रहा था तभी, है ना, तो इस क्लोरीन को इधर से भी मिल जा रहा है, इस क्लोरीन को इधर से भी मिल रहा है ना, तो अब क्या करेगा, जब इधर से भी मिल रहा है इधर से भी मिल रहा है, तो ये इधर से उतना ज्यादा नहीं खींचेगा, है ना, मतलब अब कम हो गया, है ना, अब कम हो गया, कम हो गया, तो यहां से भी ये कम अनस्टेबल करेगा, इस कार्बन को कम खींचेगा, ठीक है। तो जब कम खींचेगा तो अब ये इसको डोनेट करने का कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा थोड़ा। फिर तीसरा, अगर क्लोरीन मान लेते हैं मेरा यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ये इसको खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, है ना, ये अभी ये एरो ऐसा हो जाएगा, इधर इधर खींचेगा, इस साइड जाएगा, फिर ये इस साइड देगा, तो अब देखिए इस पे ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा, इस पे थोड़ा कम होगा, इस पे और कम होगा, है ना, तो बहुत ज्यादा कम होगा, तो ये इस पे उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं करेगा, क्योंकि एक दो तीन हो गया, है ना, तीन के बाद तो नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा, तो ये नॉर्मल हमारा रह गया, है ना, तो नॉर्मल रह गया, तो ये अब इसको आया और आकर इसको ये कर दिया, लेकिन इसको उतना जल्दीबाजी नहीं है जितना जल्दीबाजी क्लोरीन जब यहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि क्लोरीन जब यहाँ पे लगा हुआ था तो इसके कारण तो पॉजिटिव हो ही रहा था, साथ में जो ये खींच रहा था इसके कारण भी पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर ये दूर में है माइनस आई इफेक्ट, तो और थोड़ा कम, है ना, तो हमने एक ही मॉलिक्यूल में एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, अब इस पे तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये CH3 CH2 CH2 CO OH, इसको तो और भी जल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्लस आई दे रहा है, साथ में ये भी दे रहा है प्लस आई, ये भी तो दे रहा है प्लस आई, सब मिल करके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ये शिफ्ट करने के बाद, है ना, तो इसको इतना जल्दी नहीं है कि ये आकर के इसको डोनेट करे, तो ये तो बिल्कुल लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर अरेंज करना होगा तो A B C D, ठीक है, और पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब लीस्ट एसिडिक कौन सा है, तो ये, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, करेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का जो है एक और चीज है जो कि आपको आगे जाकर के काम आएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि इनमें से, अच्छा आपको पहले पूछ ही लेते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मतलब इसको अरेंज कीजिए एसिडिक नेचर में, है ना, अरेंज कीजिए एसिडिक नेचर में, आपके पास है CH3 CH3, ऑप्शन बी है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन सी है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब आप इसमें बताइए हमको एसिडिक स्ट्रेंथ पे आप इसको अरेंज कीजिए कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम होगा, है ना, बाकी सब भी रिप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं है कि मत रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आप रिप्लाई दीजिए आप भी, है ना, रिप्लाई कीजिए बाकी लोग, क्या होगा यहां पर, ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, है ना, तो ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी ज्यादा एसिडिक होगा, करेक्ट। कैसे इसको हम लोग किस तरह से जानते हैं, हमने, हमको लगता है कि आपके क्लास में लिया कहीं, मतलब पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा किस क्लास में लिए, लेकिन हम जरूर बताएं ये चीज और हम बताते भी हैं, ये कौन सा आपका SP3SRA, ये कौन सा है SP2SRA, ये कौन सा है SP है। अब डिपेंड करता, एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो है या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपका डिपेंड करता है एस करेक्टर पे, मतलब जितना ज्यादा एस परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, इसको कहीं पे लिख लीजिए आप, है ना, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, इसको भी लिख लीजिए, है ना, सिंपल एकदम, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, है ना। तो अब देख लीजिए एस करेक्टर का मतलब क्या है, SP3, तो चार, एक और तीन, चार, चार मिलकर के ये बना है जिसमें से तीन पी है और एक एस है, मतलब कितना एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर अगर हम बोलेंगे यहाँ पे परसेंटेज एस 25%, इस जगह में एक और दो तीन, तीन 100 को डिवाइड कीजिए कितना परसेंटेज है,
33.3 है तो 33% ले लेते हैं। एसपी कितना है 50% है ना, दो मिलकर के बना है तो 50-50। किसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, एसपी में, एसपी में ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, एसपी का। एसपी का अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, एसपी का। इसको दिमाग में रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में आप उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसका परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेंगे और परसेंटेज एस करेक्टर से आप कहेंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। कभी गलत नहीं होगा आपका, कभी भी गलत नहीं होगा आपका, है ना। मतलब उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेके आना है, हाइब्रिडाइजेशन से उसको परसेंटेज एस करेक्टर में लेके आना है। हम आपको ही बताएं, हमको लगता है हम आपको ही बताएं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, हमको जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो sp3 sp2 sp है ना, जो भी आए, जो भी मॉलिक्यूल है उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेके आना है। मतलब ऑर्गेनिक है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेके आना है, हाइब्रिडाइजेशन से उसका परसेंटेज एस करेक्टर में लाना है। परसेंटेज एस करेक्टर से जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा वो, या उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ये, सबसे कम एसिडिक कौन है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा आप क्वेश्चन में, उतना दिन से आप क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, है ना। तो कार्बोकेटाइन का जो हमने स्टेबिलिटी वहां छोड़ दिया था, उस स्टेबिलिटी को भी आप जान सकते हैं, यहां से आप ये कर सकते हैं। जैसे ये CH3 है ना, फिर आपके पास है क्या CH, हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3 हाइड्रोजन प्लस, फिर हम लिखेंगे ऐसे CH3 हाइड्रोजन प्लस, फिर हम इसको लिखेंगे ऐसे CH3 और क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, सब कार्बोकेटाइन है मेरा। अब बताइए इसमें से अगर हम कहेंगे कि स्टेबल कौन सा है, इसमें आपको एबीसीडी नहीं लिखेंगे, आप नॉर्मल एक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना। तो ये तीन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, हम लोग जान के चलते हैं कि टर्शरी है ना। तो टर्शरी हमको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अब ये जान के रखते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, कैसे स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या है। देखिए हमेशा ये चीज दिमाग में रखेंगे, स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, करेक्ट। मतलब जो जो कार्बोकेटाइन कम अवेलेबल है रिएक्शन के लिए वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अवेलेबल है रिएक्शन के लिए वो कम स्टेबल होगा, है ना। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, है ना। मतलब अगर कम अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, अब देखिए कौन कम है अवेलेबल रिएक्शन के लिए और कौन ज्यादा है, कैसे पता करेंगे। अगर इस केस में देखेंगे तो ये जो प्लस है ये तो एज इट इज मौजूद है, क्या ये स्टेबल कहीं और से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके तीनों साइड में क्या है, इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे, इसके तीनों साइड में है क्या, इसको बना लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये एज इट इज पड़ा हुआ है। अब देखेंगे, अब कंपेयर शुरू होगा, अब यहाँ पे देखें कहीं से भी इसको मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल नहीं रहा है, ताकि ये कार्बोकेटाइन बच जाए रिएक्शन से, लेकिन ये कार्बोकेटाइन अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें, इसमें कहीं से अवेलेबल, इस हाइड्रोजन से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक है जो कि प्लस आई इफेक्ट दे सकता है, मतलब जो ये कैटायन है इसको थोड़ा देर के लिए न्यूट्रल के लिए हेल्प करेगा, ये एक CH3, है ना। इसका मतलब आप इस दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया मेरा, है ना, इसके तुलना में, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव है जो कि रिएक्टिविटी रिएक्शन के लिए अवेलेबल है ना। तो ये अगर अवेलेबल है तो स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर सकता है, एक प्लस आई इफेक्ट इसको दे रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए इससे कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए दो ऐसा है जो इस कार्बोकेटाइन को न्यूट्रल करने के लिए आ रहा है, तो अगर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, इस जगह आ जाते हैं। यहाँ पे तीन ऐसा प्लस आई इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर रहा है तो ये प्लस के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो ये अब लेस अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, मतलब बहुत कम अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे किए थे ना, कहाँ पे स्टार्टिंग कार्बोकेटाइन जब बोले कि अब हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पे लिख दिए थे ना, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना।
तो इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लेंगे, इसको हाइपर कंजुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटर है कि पहले ये बेसिक ही पढ़ लें, उसके बाद वो सबको पढ़ेंगे, है ना। तो अब देखें इसको कैसे हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, समझ में आ गया ना आपको इसको स्टेबल कैसे करना है, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, उतना ही खूबसूरत जो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी है, उतना ही मजा यहाँ पर भी आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, है ना। ये सबसे खूब क्वेश्चन आता है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? ये टेम्पोररी इफेक्ट है, एकदम साफ टेम्पोररी इफेक्ट है, ये ज्यादा दूर तक जाता भी नहीं है। ये एक तरह से देखने में लगेगा रिजोनेंस जैसा, है ना, कि डबल बॉन्ड से शिफ्ट कर रहा है ना, लेकिन ये रिजोनेंस नहीं है, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। और ये होता तभी है जब आपके पास ये चीज अवेलेबल हो, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट नहीं रहेगा तो ये होगा नहीं, है ना। और जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसके लिए अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं आपके पास एक बॉन्ड है CH3Br, कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं है, फिर भी तो यहाँ माइनस इफेक्ट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब तक इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, एक इंडक्टिव इफेक्ट जरूर काम करेगा। ये इधर से अगर इसको दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट, ये इधर से अगर खींच रहा है तो ये माइनस आई इफेक्ट, ये ऑब्वियसली हमेशा देगा ये, है ना, समझ में आया, जब तक ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मान लेते हैं हमारे पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इधर और इधर हाइड्रोजन है, इधर और इधर हाइड्रोजन है ना, ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा, है ना, ठीक है। इथिलीन है, जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, अगर कहीं से अगर H प्लस आ जाता है कहीं से भी, तो ये आकर के यहाँ अटैक करेगा तो एक साइड प्लस हो जाएगा और दूसरे साइड ये हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर उस प्लस में कोई एक Cl या OH को आप ऐड करके एक साइड OH मतलब ये अल्कोहल बना लेते हैं, है ना, इथेनॉल बना लेते हैं, करेक्ट। तो जब तक ये अटैकिंग रिएजेंट नहीं रहेगा तब तक आपका ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, टेम्पररी इफेक्ट। और सेकंड क्या चाहिए इसके लिए, एक अटैकिंग रिएजेंट चाहिए तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, है ना। ये रिएजेंट के डिमांड के कारण होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अदरवाइज ये जैसे के तैसा ही पड़ा रहा, करेक्ट। अब इसको हम लोग ई इफेक्ट भी बोलते हैं। अब जब ई इफेक्ट है तो दोनों ही होगा, प्लस ई माइनस ई, है ना, दोनों ही होगा, तो ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या है प्लस ई क्या है माइनस ई। तो एक रिएक्शन को रखते हैं सामने में, रिएक्शन से समझते हैं, डेफिनेशन से हम नहीं करेंगे। एच प्लस, है ना, ये रिएक्शन हो रहा है मेरा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन जो लगाना है लगा दीजिए, जैसे बॉन्ड है, ठीक है, एक पॉजिटिव और यहां से ये हाइड्रोजन लगा और ये ऐसा हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, आप देखिए, ये प्लस मतलब ये बॉन्ड आया इसके तरफ, यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्लस ई इफेक्ट। कैसे प्लस ई इफेक्ट हुआ, मतलब प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो पाई बॉन्ड है जैसे बोलेंगे, या फिर पाई क्लाउड है, जो अगर वो जिस कार्बन पे शिफ्ट कर रहा है, अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट भी उधर हो तो हम उसको प्लस ई इफेक्ट कहेंगे, करेक्ट। मतलब फिर से समझिए इसको, कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई क्लाउड है या पाई बॉन्ड है, जो भी है, जो पाई बॉन्ड है ना, जो पाई बॉन्ड के तरफ अगर अटैकिंग रिएजेंट लगता है तो उसको हम लोग प्लस ई इफेक्ट करते हैं, है ना। पाई बॉन्ड अगर इस कार्बन पे शिफ्ट किया है और हमारा अटैकिंग रिएजेंट भी यहीं पे आ रहा है तो हम उसको प्लस ही कहेंगे, मतलब अटैकिंग रिएजेंट के तरफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको अटैकिंग रिएजेंट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बीच से निकल के आया, अब हम कैसे जानेंगे कि इस कार्बन पे गया तब ये हाइड्रोजन लगा, हो सकता है इस कार्बन पे गया हाइड्रोजन को अपने यहाँ लगाया, तो कैसे इसको मिनी जो एक निकाले जो कि पॉसिबल नहीं है, बस हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। मिनी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये क्या बनेगा हमारा कार्बन, है ना, ये क्राइम है बहुत बड़ा, लेकिन फिर हम आपके लिए कर रहे हैं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस ऐसे टूट के नहीं रहता है जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोमेरिक का डेफिनेशन ही खत्म हो गया है ना, बस आपको समझाने के लिए कैसे हो रहा है। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किया इस कार्बन पे,
अब हमारे पास जो एच प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही एच प्लस को लेके आ रहा है ना, और फिर क्या बन रहा है हमारा, ये मॉलिक्यूल बन रहा है, समझ में आया? तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया और ये इधर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट कर रहा है, हमारा अटैकिंग रिएजेंट भी उधर ही पहुंच रहा है ना, या फिर अटैकिंग रिएजेंट की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम उसको प्लस ई कहेंगे, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, है ना, मतलब उसके तरफ ही आ रहा है। अब दूसरा अगर हम मॉलिक्यूल ले लें, अब देखिए इसका अगर रिएक्शन कराएंगे साइनो के साथ, तो इसको माइनस आई इफेक्ट कहेंगे, कैसे, ये कार्बन सी एन और यहाँ पे ओ माइनस, अब यहाँ हो क्या रहा है, माइनस ही कैसे हो गया, अगर अगर पाई इलेक्ट्रॉन जिधर, पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम पे जा रहा है उसके ऑपोजिट एटम पे अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट आता है तो उसको माइनस ही, यहाँ पे क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन जिधर आ रहा है उधर ही अगर अटैकिंग रिएजेंट जा रहा है तो उसको हम लोग प्लस ही कर रहे थे, अब पाई इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट वाले एटम में अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है तो दैट इज माइनस ई इफेक्ट, है ना, कैसे होता क्या है, ये आता है आपका अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जा रहा है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट यहाँ आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है ना। फिर वही क्राइम हम करने जा रहे हैं आपको बताने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, है ना, ये यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ नेगेटिव, है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं। फिर सी एन आया माइनस, ये आकर के इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए आया, तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया ऑक्सीजन में, तो ये माइनस आकर के ये अटैकिंग रिएजेंट आया इस कार्बन पे, मतलब ऑपोजिट साइड में, यहाँ क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन पे और अटैकिंग रिएजेंट भी आपका इसी कार्बन पे लगा, है ना, प्लस ही और माइनस ही आपको पानी की तरह क्लियर हो गया, है ना, तो यहां से क्यों खत्म कर रहे हैं इसको, यहां ले जा रहे हैं, है ना, यही बनेगा, ठीक है, तो ये एकदम पानी की तरह आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, है ना, प्लस ई और माइनस ई आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ठीक है। अब जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप हमको इस एक रिएक्शन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ऑप्शन, मतलब अगर ऐसे ही पूछ देते हैं हम, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसका एग्जांपल है, है ना, अगर ये क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रोमेलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसका एग्जांपल है, ए इलेक्ट्रोमेरिक, मतलब ऐसे नहीं, इसको और डिटेल में करते हैं हम, ऐसे अगर उसको ब्रॉड वे में पूछना होगा, अगर आसान क्वेश्चन पूछना होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक बोलेंगे, है ना, प्लस ई इफेक्ट, बी माइनस ई इफेक्ट, सी प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट, डी माइनस आर इफेक्ट, और भी ऑप्शन कर दीजिए, माइनस आई प्लस आई, बहुत सारा रहेगा, तो किसका है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, प्लस ई का है कि माइनस ई का है कि प्लस आर का है कि माइनस आर का है, ए बी सी डी बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में, है ना। उसके बाद एक और चीज हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छा चीज बताएंगे वो हम आपको, है ना, ए ए में ए ए जो है आपका आंसर है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप रखेंगे तो कैसा होता है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, करेक्ट। अब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमने आपको पढ़ा दिया है ना, वापस से मत बोलिएगा कि हमको नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, फाइल लविंग, बहुत अच्छे से बताएं आपको, है ना, ये मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहीं से इसको कैप्चर करेगा, और न्यूक्लियोफाइल मतलब, है ना, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वहां पर अटैक करेगा, ठीक है। तो पिछला वाला में क्या है, एक चीज और दिमाग में आ गया इसी चीज में, तो हम आपको बता देते हैं, एकदम इसको दिमाग में रखिएगा, ये प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक तभी करेगा जब जहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग होगा तो प्लस ई होगा, और जहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड में, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में अगर न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो रहा है तो माइनस ई, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड में अगर प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो प्लस ई, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है प्लस ई, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है माइनस ई, एकदम एकदम आप देख के चलिए इसको, ऐसा ही होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड में, सेचुरेटेड में नहीं, अनसेचुरेटेड में अगर अटैक हो रहा है तो आपका प्लस ई, यहाँ पे हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल हो रहा है तो माइनस ई, है ना। अब यहाँ पर भी अनसेचुरेशन है लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो होता क्या है जनरली, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है यहाँ पे इसको लेने के लिए, और फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ बन जाता है ऐसा ऐसा, अब ड्रॉइंग में मेरा बहुत गड़बड़ है ना, लेकिन हम जानते हैं क्या ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो मेन नहीं है ना, हमको आपको भी बताना है ना हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, करेक्ट। ये
ये, और यहाँ पे जो बॉन्ड था मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके लगा, और आपको ये तो पता ही है सब में हाइड्रोजन है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, सब में तो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन सब में है, तो इलेक्ट्रोफाइल आया। अब यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप, समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है ना, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर और माइन्यूट लेवल में लेके जाए तो कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे जो हम क्राइम करते हैं वो क्राइम हम कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाए, ऊपर में लगाए ना, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ऐसा होता है नहीं होता है ना, लेकिन हम ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रख दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बाकी में भी हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है आप इलेक्ट्रोफाइल को लेके आइए, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आए और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है ना ये, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन, लेकिन हम आपको बताने के लिए कि हम यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, प्लस ई इफेक्ट हो रहा है, हो नहीं, हो नहीं रहा है। देखिए प्लस ई इफेक्ट कैसे हो रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट किया तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी इसी कार्बन पे आया है ना, यहाँ शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रोफाइल भी इसी में लगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता, नेगेटिव हमारा अगर नेगेटिव यहाँ रहता तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रहता, इस जगह में है ना, इस जगह शिफ्ट कर, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता, यहाँ नहीं जाता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही हो रहा है या रेजोनेंस भी हो रहा है, क्वेश्चन ये है, ओनली इलेक्ट्रोमेरिक, ओनली रेजोनेंस, बोथ ए एंड बी है ना, ये ए ये बी ये सी, तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा सिर्फ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही हो रहा है या सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है या बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस दोनों हो रहा है। बोथ हो रहा है ना, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस, देखिए पहला स्टेप तो इलेक्ट्रोमेरिक हुआ, अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए रेजोनेंस शुरू हुआ, ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा है ना, फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अब इसको खत्म करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ गिर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा, ऐसे देखिए नया नया बॉन्ड कहाँ बना, ये यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट कराइए, ये यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट कराइए, ये यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट कराइए, और यहाँ हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और बाकी जगह सब में हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, ये हाइड्रोजन निकल के चला गया माइनस एच प्लस, इलेक्ट्रोफाइल आया तो एच प्लस, एच प्लस चला गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ, फुटबॉल मैच में जैसे होता है, सिंपल है ना। तो पहला स्टेप हमारा इलेक्ट्रोमेरिक है, बाकी स्टेप हमारा रेजोनेंस है। अगर पूछेगा यहां पर कि इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के पहला स्टेप है ना, हमने यहां पर वही बोला था शायद, पहला स्टेप में क्या होता है तो प्लस ई इफेक्ट होता है, ठीक है मान के चलिएगा है ना, यही होता है, बाद में फिर रेजोनेंस होता है, स्टार्टिंग रेजोनेंस से कभी नहीं होता है जब तक उसके पास डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक किया तो ये वाला स्टेप को आप नहीं कर सकते रिजोनेंस है ना, ये वाला स्टेप में हमेशा सिंगल हेडेड एरो रहता है, और बाकी जो ये चलते रहता है इसमें ये आपका क्या रहता है, ये वाला एरो रहता है, मतलब ये आगे भी जा सकता है पीछे भी, लेकिन यहाँ उस तरह का केस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है क्योंकि अनसेचुरेशन है और अटैकिंग रिएजेंट भी है मौजूद, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। तो हम आपको एकदम एकदम इन डिटेल में जाके आपको बता रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है उसमें है ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, प्लस ई माइनस ई भी आपको समझ में आ गया, अब रेजोनेंस इफेक्ट जाते हैं, रेजोनेंस को मेजोमेरिक भी बोलते हैं हम लोग है ना, रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट है ना, थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस के बारे में जानकारी होगी आपको, तो प्लस आर और माइनस आर भी होता है, प्लस आर और नहीं लगेगा यहाँ, एंड लगेगा है ना, प्लस आर एंड माइनस आर और प्लस एम एंड माइनस एम, क्योंकि प्लस एम माइनस एम अलग अलग है ना, प्लस आर माइनस आर अलग अलग है, लेकिन प्लस आर प्लस एम एक है, माइनस आर माइनस एम एक जैसा है हमारा है ना। तो ये है क्या, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अगर हम लोग रिंग के तरफ दें या कंपाउंड की तरफ भेजें, सपोज ये एक्स लगा हुआ है, इससे अगर हमारा इस तरह से नहीं करके एक रिंग ही बना देते हैं, सपोज जो भी यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ जो लोन पेयर है, अगर ये इसको डोनेट कर रहा है
मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ये, है ना। तो आपको दो तरह से ये सवाल पूछ सकता है, विच ऑफ दीज आर रिंग एक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग मतलब कौन प्लस आर दे रहा है ना, या कौन प्लस एम दे रहा है। तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ गिरेगा तो ये यहाँ जाएगा नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ आएगा बॉन्ड बनाएगा तो फिर ये यहाँ जाएगा नेगेटिव होगा, है ना। तो ऑर्थो और पैरा में नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ प्लस आर के कारण हमारा ऑर्थो पैरा पोजिशन में रिएक्शन, हमारा जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा में आ जाता है ना, प्लस आर के जैसे के कारण, प्लस आर के कारण ऑर्थो और पैरा में आता है। और जब माइनस आर या माइनस एम लगता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मेटा पोजिशन पे होता है ना?